नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ फिर मेरी तीन लाडली बेटियां नीट 2021 की सफल बेटियां अपने परिवार के साथ बैठी हैं। साक्षी, आप बेटा हरियाणा में कहां के हो? नारनौल से है। पिंकी, आप? प्रियंका, सॉरी प्रियंका खाटू श्यामजी से है। आप कोमल शर्मा? झुंझुनू मंडला से। बाकी तो पहले बच्चे खूब बैठे हुए अपने। आप झुंझुनू से है, आप खाटू से, सीकर से है, आप हरियाणा से, वही मिक्सर है। आप साक्षी पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, प्रियंका के परिवार लोग बैठे हैं, कोमल के परिवार के लोग बैठे हैं। ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने क्या महसूस किया, क्या कहते हैं सीएससी के बारे में? तो सबसे पहले साक्षी तो बुढ़िया है, अब हरियाणा राजौल से है, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? तो प्लीज आप अपना देते पूरा परिचय दे, फिर बात रखें सर। मैं कंवर सिंह नारनौल से हूँ, साक्षी का पिता हूँ। सबसे पहले तो मैं सीएलजी परिवार और पर्टिकुलर जो श्रवण जी हैं, इनका सभी का जो है ना धन्यवाद करता हूँ। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतने बच्चे इतने ऊंचे लेवल के ऊपर जो है दिए हैं, और ये इनकी सफलता जो है ना उसी का परिणाम है। मेहनत जो इन्होंने की है उसके अंदर सफलता जो है आप बच्चों को मिली है। देखो, मैं अपना बताता हूँ कि हम जब सबसे पहले यहाँ सीकर में आए तो हमने शुरुआत की थी, उधर चौक से शुरुआत की थी, सारे इंस्टीट्यूट देखते 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 हम आए हुए इधर, और सबसे लास्ट में हम पहुँचे सीएलसी। और सीएलसी जब हम पहुँचे तो फिर शेक्सपियरियन अट्रैक्शन हो गया। शेक्सपियर का अट्रैक्शन क्या होता है? एट फर्स्ट साइट। जैसे ही हम सीएलसी में आए थे, हमने इसी उसी समय जो है निश्चय कर लिया था कि बच्ची का एडमिशन करवाना है तो यहाँ करवाना है। वो यूँ नहीं कर लिया था कि श्रवण जी को हम जानते थे, वो हमने यूँ किया था कि हमने सबसे पहले इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, इनका एनवायरनमेंट देखा। इतना बढ़िया एनवायरनमेंट मेरे ख्याल से शायद ही किसी इंस्टीट्यूट के पास हो जो इनके पास है। लड़कियाँ, माता पिता सबसे पहले जो लड़की जब भेजते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि लड़की की सुरक्षा, उसके बाद देखते हैं कि भाई शिक्षा, उसके बाद शुरू होगी, पहले बच्ची का सेफ्टी देखी जाती है। और हमें जैसे ही इनके हॉस्टल वगैरह हमने देखे उसी समय हम आश्वस्त हो गए, ये बिल्कुल उचित जगह है और यहाँ हमें बच्ची को डाल जाना चाहिए। और बस एक चीज़ का बहुत ज़्यादा हमें मलाल है कि हम सीएलसी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाए। हार्डली हमारी बच्ची 3 महीने यहाँ पर रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। मेरी इसकी साक्षी और इसकी मम्मी यहाँ पर आए हुए थे, मेरे को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, ये दोनों मेरे से मिलने के लिए थोड़ा भावनात्मक हो गए, चले गए, और फिर दुर्भाग्य से हमारा पूरा परिवार जो है कोरोना पीड़ित हो गया। और हम लाइफ के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय, ये बच्ची हमने इसको सेपरेट एक रूम में बंद किया हुआ था, और उस समय अगर हमें कोई सहायता मिल रही थी, हमें कहीं से मदद मिल रही थी, तो सीएलसी से मिल रही थी। हम अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उधर ये बच्ची पढ़ाई कर रही थी। और मैं तो ये कहूँगा कि श्रवण कुमार जी, आपका जो दंगल है ना, आपके दंगल ने से ही हमने दंगल मारा है, नहीं तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता। और जब बच्ची का सिलेक्शन हुआ तो देखो, जब भगवान देता है तो दो खुशियां देती है। मेरा बेटा बैठा है, इसने अभी अभी यूपीएससी क्रैक किया है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? इसका डेप जो है यूपीएससी ने डाल दिया है, और इसका 15 दिन बाद जो है जस्ट इंटरव्यू है। भगवान चाहा तो आपके पास दोबारा आएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे और आपसे फिर आशीर्वाद लेंगे। मैं भगवान से, प्रभु से एक कामना करता हूँ कि श्रवण कुमार जी, देखो मैं कोई यहाँ इनके सामने बैठ कर कोई एग्जैजरेशन की बात नहीं करूँगा कि बड़ा चढ़ा के मैंने कहना है, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, इस तरह की ऊर्जा के व्यक्ति जो है कई कई सालों के बाद पैदा होते हैं। आप अपने हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखिए, यहाँ महान पुरुषों की फोटो लगी हुई है, चाणक्य जी की लगी हुई है, कलाम जी की लगी हुई है, विवेकानंद जी की लगी हुई है, राधा कृष्ण जी की लगी हुई है, और ये लंबा इतिहास है कि इस तरह की ऊर्जा के जो भी व्यक्ति हैं वो कई सालों बाद पैदा होते हैं, और ये ऊर्जा आपके सामने दिखाई भी दे रही है। जिस व्यक्ति ने सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, सिर्फ चाय पी रहे हैं, और बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ जो है इनके चेहरे पर अभी मुस्कान है, हमारे चेहरे थोड़े मुरझाए हुए थे, बहुत लेट हो गए, लेकिन श्रवण कुमार जी का एंथुसियाज्म जो है ना, इनकी चीज जो है वो अभी देखने को मिलती है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनका उत्साह ऐसे ही बना रहे, और भगवान इनके स्वास्थ्य को और इनकी ऊर्जा को कायम रखे। और अगली बार जो एक 3 स्टेप इनके पीछे रहे हैं, केवल 3 क्वेश्चन ये पीछे रहे हैं, मेरी दिली तमन्ना है कि ये 3 स्टेप ऊपर जाकर 720 का यहाँ आंकड़ा जो है वो दिखाई दे सभी बच्चों को, और सभी को उन्हें बहुत बहुत जो है मुबारकबाद, सभी का धन्यवाद। मैं सर प्रिंसिपल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोग तो कहाँ रहते हो सर? पटीकरा गाँव में। वही पास पड़ता है, पास पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं माइक देना चाहूंगा हमारे प्रियंका के पापा, प्लीज। जय सीएलसी, मैं नमन करता हूँ बोस को,
जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर आज ग्रामीण प्रतिभाओं को तराश कर इस मुकाम तक पहुंचाने का काम जो शुरू किया है और पहुंचा रहे हैं। 2006-07 से मैं इनके संपर्क में आया था, इनकी स्कूल है चैलासी, तो वहाँ एक गार्गी पुरस्कार समारोह था और पैसे से प्राइवेट टीचर था, अपने स्टूडेंट को लेकर आया था। तब से इनसे मुलाकात हुई थी, न मैंने किसी से कुछ राय ली थी कि CLC है क्या नहीं है, सिर्फ विजिट किया था। विजिट इस बात के लिए किया था कि यहाँ सेफ्टी क्या है, और मैंने एक ही चीज़ देखी है यहाँ पर। पहला काम सुरक्षा का देखा, सब ओर से संतुष्ट था। दूसरा अनुशासन का देखा, सब कुछ शांत था, मेरा कोई जिज्ञासा कुछ भाव नहीं बचा था मेरे पास, और बिल्कुल अपने घर से भी बढ़कर मैंने यहाँ अपने बच्चे के लिए जो देखा वो मिला। और आज इनके सुसंस्कारों की वजह से मेरे परिवार और रिश्तेदारों में ये मेरी बच्ची पहली MBBS करने वाले पहुँचेगी। और गांव की बात करूं तो गांव में पिछले साल हो गया था दो बच्चियों का सिलेक्शन, लेकिन टॉप रैंक में अपनी बच्ची है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ये प्रियंका के फादर, हमने बात साक्षी के पापा से की, कोमल के पापा अपने बात रखे। माँ शारदा के इस महान मंदिर में जय श्री अंशी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का मैनेजमेंट, मटेरियल और मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें इतनी सरल तरीके से बच्चों के माइंड में दी जाती हैं, जिससे आज इन इतने अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं सरवण भाई साहब का और CLC का धन्यवाद करता हूँ। और सुखदेव सर ने हमारे बच्चे को रनिंग हॉर्स में एडमिशन दिलाया। पिछली बार 528 नंबर मिले थे, अब 655। क्या बात है सर, आपने, मैं केमिस्ट्री के लिए आपके पास आया था तो आपने 650 प्लस लिखे थे, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये हमारे गार्जियन से, अब मैं बच्चों से बात करूंगा। साक्षी बेटा, आप बात करते हैं। आप जय CLC, गुड इवनिंग टू एंटायर CLC फैमिली। मैं CLC से जुड़ी थी 22 अक्टूबर 2020 को। मेरा नीट में लास्ट ईयर स्कोर था 589 का। हम स्टे काउंसलिंग अटेंड कर रहे थे, फिर उसके बाद 17 जनवरी 2021 को हम CLC शिफ्ट हो गए थे। मैं कृष्णा हॉस्पिटल में थी पहले। उसके बाद जब से मैं CLC से जुड़ी, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। बाद में मम्मी आ गई थी मेरे पास यहाँ पर। मम्मी के आने के बाद मुझे अब भी याद है, पहला रैंडम हुआ था उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, पर उसके बाद अनलक्कीली लॉकडाउन लग गया और पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उसके बाद हम घर शिफ्ट हुए, हम गए तो मिलने थे, बाद में मम्मी को कोरोना हो गया, भाई को और पापा को सबको हो गया, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरा लगभग 1-1.5 महीना ख़राब हो गया था उस दौरान, मैं थोड़ी परेशान थी। फिर उसके बाद मैं बूस्ट का ने जो वीडियोस डाले थे उनको पूरे तरीके से फॉलो करने लग गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप को मैं सुबह भी चेक करती, शाम को भी चेक करती, और कभी कभी ऐसा होता था कि टेस्ट अगर ख़राब हो गया ना तो हताशा निराशा मेरे आसपास भी नहीं आती थी। मैं बूस्ट के वीडियोज़ देखती थी, शाम को मेडल सेरेमनी की वेट करती थी, और मुझे ये रहता था कि हमारे लिए हमारे टीचर्स इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पेपर हमारे हैं पर एफर्ट्स इनके इतने ज़्यादा लग रहे हैं हमारे लिए, तो हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर नीट के एग्ज़ाम डे की बात बताऊं तो मेरा पेपर पूरा हो नहीं पा रहा था उस दिन टाइम में, लेकिन मेरे को सर की एक बात याद आ गई, छोरे छोरियों मेहनत कर लो डॉक्टर बन जाओगे। लास्ट में मैंने क्या किया, मेरे पास 5 मिनट बची थी, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जितने भी किए सारे के सारे ठीक निकले। थैंक यू सर। थैंक यू पुत्र, ये सही है डायलॉग है, छोरे छोरे पढ़ लो रे डॉक्टर बन जाओगे। तो कई बार ये देखो, कई बार क्या सभ्यता की भाषा ज्यादा काम नहीं करती। जैसे माफी, एक एग्जांपल है, जैसे मैं इस बच्चे से कहूँ प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, एक ओ तेरी औकात नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता, मजा किसी में आया, भीड़ यहाँ लगती है, चिमटी यहाँ कटती है, और कूदता वही है भाई साहब जिसके नीचे फाइल होती है। ये कूदने के लिए मादा चाहिए, जीन चाहिए, और वो देने के आज बच्चे बैठे। अब मैं जाऊंगा प्रियंका अपनी बात करती है, बहुत लाजी बच्ची है हमारी। जी 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 CLC, सबसे पहले मेरे सभी यहाँ पे बैठे बड़ों को प्रणाम और छोटों को उनके टीचर के लिए शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे ट्वेल्थ पास का कहती, ट्वेल्थ तक मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मतलब क्या होता है नहीं, बस ऐसे था कि व्हाइट कोट पसंद था और डॉक्टर नहीं।
फिर जो बाजे भी घर है उनकी मम्मी ने गाइड किया था पापा को वहीं पे कि हाँ अच्छा है एकदम सब कुछ सिक्योरिटी सब कुछ एकदम सही है पढ़ाएगा सर। तो फिर पापा ने यहीं पे छोड़ दिया था। जब मैं 8 जून को आई थी पहले तो फिर मम्मी 20 दिन बाद आए थे यहाँ पे विजय सुल्ताना तक। तो मम्मी घर के गए थे कि मतलब तुम ना सिलेक्ट हो जाना और ये यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम उड़ा रहे हैं और साफा पहना रहे हैं ना एक दिन तू भी लेके आना। मैं कही थी मम्मी यार लेके आऊँ पक्का। तो आ गया याद। और यहाँ पे मतलब पढ़ने के जो मतलब एवरेज बच्चा होता है ना वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। मैं ज़्यादा वो नहीं थी टैलेंट ऐसा कुछ नहीं था। बस जैसे जैसे बॉस कहते गए कोचिंग कहती है टेस्ट लगते गए पढ़ते जाओ डाउट अपने डाउट मत छोड़ना बस जो देंगे ना उनके लिए। तो रिपीटर है ना आप खुद को ये मत समझना कि भाई हम तो रिपीटर है एज हो गई ज़्यादा इसका हो गया ये सब हो गया। तो उनके लिए ये कहूँगी कि मैं मतलब एज हो जाएगी ना कोई नहीं दिखेगा या कितने साल के हो गए जैसे मेरी हो गई तीसरा टर्म था मेरे साथ। तो ये भी मत देखना डॉक्टर बन जाओगे इसमें कोई नहीं पूछेगा। और बहुत को थैंक यू और सीएससी टीम को थैंक यू और मेरी बड़ी बहन उनको भी बहुत थैंक यू उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। मैं नंबर कम आते थे और उन्होंने लग जाते मेरे बहुत हेल्प करती थी। और जीतू भैया जो बहुत ही एकदम बड़े भाई की तरह मुझे हमेशा डांट के देते थे कभी और कभी कभी समझाते थे। हालांकि बहुत ही मिलने को कहते थे मैं सोचना चाहती थी बहुत की बात ही मान लेती हूँ। थैंक यू प्रियंका। अब हमारे बीच एक गुड़िया है कोमल शर्मा आपको उनको सुना दे। कोमल शर्मा आपका स्कोर 555 नंबर है आप क्या बताएं बेटा। सभी को मेरा नमस्ते। मैं भगवान को अपने माता पिता गुरु सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ मतलब सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का जो भी शेड्यूल है एकदम फिक्स है आप बिना किसी टेंशन के आपका सिलेबस पूरा होगा। सबसे अच्छी बात है कि लगातार 4 महीने पेपर हुए हैं मेरे मैंने एक भी टेस्ट स्किप नहीं किया। और पिछले 10 महीने से मैं सीएस के नाथजी हॉस्टल में हूँ। मैं घर में शादी थी तब बस एक बार घर पे गई थी वो भी अप्रैल में जाके बस पापा मिलने आते। लगातार टेस्ट देने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरा स्पीड बहुत अच्छी हो गई। पहले नंबर बीच में कम भी आते लेकिन मैंने पेपर में अपना 10-15 मिनट पहले पेपर कर लिया था नीट में। थैंक यू पुत्र थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।